नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना वैसे तो पुरानी है, लेकिन इस घटना पर अदालती फैसला अभी 4-5 महीने पहले आया है, जो इंटरेस्टिंग है। घटना ये मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में एक हरदा जिला पड़ता है। वहां 12 अक्टूबर 2018 को हरदा के गायत्री मंदिर के पास रहने वाले पोस्ट ऑफिस के डेली कलेक्शन एजेंट राजेश सन ऑफ रामरज सिंह, राजेश राजपूत सन ऑफ रामरज सिंह, जिसकी उम्र 32 साल थी, ऐसी सूचना इस व्यक्ति के या ये जो मृतक था इसके भाई ने थाने पर सूचना दी कि रात में कुछ अज्ञात लोगों ने मेरे भाई की हत्या कर दी, उसे दराती से उसकी गर्दन काट दी गई। ये भी बताया कि मेरा भाई शादीशुदा है, उसकी पत्नी मनीषा और उसके 2 बच्चे, 9 साल की बेटी और 7 साल का बेटा उस समय घर पर ही थे। लेकिन इन दोनों का ये कहना है कि हम दोनों लोग ऊपर वाले कमरे में थे और नीचे कब ये बदमाश घुसकर राजेश की हत्या कर गए हमें पता नहीं है। नीचे उन्होंने बइस्तबा यानी शक के आधार पर ये भी लिखाया कि हमें पूरा शक है कि हमारी भाभी यानी मनीषा सिंह राजपूत ने या तो इस पूरे में उसका हाथ है या उसकी जानकारी में है, कृपा करके जांच की जाए, विवेचना की जाए। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और ये देखा कि उसकी गर्दन काटकर हत्या की गई है, नृशंस हत्या की गई है, और यह भी देखा कि उसके शरीर पर चोटों के निशान भी हैं। फौरन उस बॉडी का फॉरेंसिक सब एग्जामिनेशन कराया गया, फॉरेंसिक टीम आई और उसके बाद उसको सील बंद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मौके पर राजेश के 2 छोटे भाई और पिता रामरज सिंह ये भी मौजूद थे। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह क्लियर हुआ कि गला काटकर हत्या की गई है और शरीर पर एंटी मॉर्टम नीलगू निशान और कुछ खरोंच के निशान भी पड़े हुए हैं, लेकिन ये निशान किसी एक हथियार यानी डंडे या हाथ या एक तरह से कई चीजों का इसमें इस्तेमाल किया जाना प्रतीत हो रहा था। नीलगू निशान की लंबाई चौड़ाई ये सब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखाई जाती है। बहरहाल पुलिस ने शक के बिना पर जो एफआईआर लिखाई गई थी उसके आधार पर पत्नी मनीषा को थाने पर बुला के पूछताछ की और हत्या का ये मुकदमा राजेश राजपूत यानी मृतक के भाई नरेंद्र राजपूत के की तहरीर पर कायम किया गया। हत्या का मुकदमा लिखा गया 302 यानी हत्या, 201 यानी कि हत्या के सबूत को मिटाने की कोशिश और 120B 34 पुलिस एक्ट यानी साजिशन, ये साजिश करके इसे मारा गया। पुलिस ने मनीषा से पूछताछ की, उसने यही बताया कि हम दोनों बच्चों को लेके ऊपर। पूछा गया, भाई आप ऊपर क्यों कर रही सो रही थी जब आप हमेशा यहीं सोती हैं, जैसा आपके देवर ने और बाकी लोगों ने पड़ोसियों ने बताया, आप ऊपर क्यों गई थी? उनका साहब कुछ छोटी मोटी बात जो पति पत्नी के बीच होती है, हल्का फुल्का हम लोगों का वाद विवाद हो गया था, मैं गुस्से में अपने बच्चों को लेकर ऊपर चली गई थी। लेकिन पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। गायत्री मंदिर के पास का कि वो लोकेलिटी ये ठीक है कि वो
कस्बे से या आबादी से थोड़ा दूर है और हो सकता है उस समय जिस समय हत्या की गई हो उस समय पड़ोसियों को इसकी आवाज ना आई हो, लेकिन पत्नी घर में थी और जिस तरह से मारपीट करने के बाद उसकी हत्या हुई यह संभव नहीं था कि पत्नी को पता न लगा हो। पुलिस ने बहुत कोशिश की लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। पुलिस ने उसके दो मोबाइल फोन्स के सीडीआर की जांच करनी शुरू की। मोबाइल फोन के सीडीआर से एक बात स्पष्ट हो गई कि कोई तीसरा व्यक्ति है जिससे ये दिन में रात में देर रात में लंबी लंबी बातें कभी कभी तो नॉर्मल फोन पर और कभी कभी जो उसकी इंटरनेट एक्टिविटी आती है उससे कोरिलेट करके व्हाट्सएप कॉल या किसी दूसरे ऐप से कॉल करके लंबी लंबी बातें, क्योंकि व्हाट्सएप पर लॉगिन एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे तक होता रहा। पुलिस ने इस तीसरे नंबर की जांच की तो पता ये लगा कि ये प्रकाश उर्फ पीपी सन ऑफ भगत सिंह, उम्र 26 वर्ष, निवासी छोटी हरदा का ये रहने वाला है। पुलिस ने इसको उठाया पूछताछ के लिए कि भाई आपका इतनी देर रात में दिन में सवेरे ऐसा क्या है और कभी कभी इन दोनों की लोकेशन एक ही जगह भी आई थी, यानी ये दोनों एक जगह पर और वो जगह भी कौन सी, उसकी पत्नी मृतक की पत्नी मनीषा या मृतक का घर। पुलिस जब भी इस तरफ बात करने की कोशिश करती थी प्रकाश थोड़ा बहुत दाएं बाएं करने लगता था। बार बार एक ही बात पूछे जाने पर पुलिस को यह शंका हो गई कि जरूर दाल में कुछ काला है जो पीपी यानी प्रकाश भी छिपा रहा है और मनीषा यानी मृतक की पत्नी वो भी छिपा रही है। कई घंटे की एक्सरसाइज के बाद पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि इन दोनों के पास या इन दोनों के पेट में घटना से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो ये जुबान पे नहीं ला रहे हैं। आखिरकार परेशान हैरान महिला पुलिस और पुलिस वालों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू किया। तो बताया उसने कि हाँ हमने मारा, हमने तय किया था कि इसको रास्ते से हटाएंगे और हमने तय किया था कि हम इसकी हत्या करेंगे। भाई नरेंद्र राजपूत से ये पूछा गया कि आखिर क्यों इसकी हत्या की बात हुई थी, क्यों इसकी पत्नी इन्वॉल्व थी। भाई नरेंद्र राजपूत ने बताया कि साहब हम तीन भाई हैं और सबसे बड़ा राजेश था, बीच वाला सुरेंद्र और अंतिम में मैं नरेंद्र राजपूत। राजेश की अरेंज्ड मैरिज थी। टिमरनी के लाछोरा गांव की रहने वाली मनीषा राजपूत से 17 अप्रैल 2017 को मेरे भाई राजेश की शादी हुई थी। हम सभी लोग माता पिता, हम तीनों भाई और भाभी, हम लोग लोनी में अपने पुश्तैनी घर में रहा करते थे। भाई यानी मृतक राजेश ये पोस्ट ऑफिस में कलेक्शन एजेंट का काम करता था और उसी ने पिताजी के लिए एक जूते चप्पल की दुकान खुलवा दी थी कि वो थोड़ा बिजी रहेंगे, उनके लिए काम भी बना रहेगा, सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन भाई की शादी के बाद 10 अप्रैल 2009 को हमारी भतीजी का जन्म हुआ, बड़ी भतीजी का, जो घटना के समय 9 वर्ष की थी। उसके बाद 8 अक्टूबर 2012 को बेटे का जन्म हुआ, यानी मृतक भाई राजेश के दो बच्चे हो चुके थे और इसी बीच में नरेंद्र और उससे बड़े वाले भाई सुरेंद्र, इन दोनों की शादी भी हो गई। कुछ समय बाद भाभी मनीषा का व्यवहार बदलने लगा, वो भाई पर शक करती थी कि भाई का किसी से कोई अफेयर चल रहा है और
भाई से विवाद भी उसी बात को लेके करती थी। किसी न किसी बात पर कभी न कभी हम दोनों भाइयों यानी अपने दोनों देवरों से भी उनका भी भला बुरा उनसे भी भला बुरा कहती थी और उनसे भी वैमनस्य रखने लगी। धीरे धीरे मनीषा हमारे माता पिता को भी परेशान करने लगी। जब ये सब बहुत ज्यादा हो गया तो वो मेरे पास आकर रहने लगे। नरेंद्र ने बताया कि माँ बाप जब परेशान हुए तो वो मेरे पास आके रहने लगे और मनीषा खुद उस दुकान को उसने जूते चप्पल की हटा के एक किराना की दुकान खोल ली और भाभी उसी किराना की दुकान पर बैठने लगे। यहीं पर ये प्रकाश नाम का आदमी आने लगा और धीरे धीरे उनके बीच में अफेयर होना शुरू हुआ। और कभी कभी जब भाई राजेश कहीं चले जाते थे तो प्रकाश जिसका पीपी नाम सब लोग जानते हैं वो घर में भी आने लगा। और बात यहां तक आ गई कि मनीषा ने एक दिन राजेश से कहा कि तुम अगर चाहो तो मुझसे तलाक ले सकते हो क्योंकि मैं अब प्रकाश के साथ रहना मंजूर करूंगी, तुम्हारे साथ नहीं। जब ये बात पता लगी राजेश को तो उसने बहुत समझाने की कोशिश की। उसे अपने दो बच्चों का ज्यादा लालच सा लग रहा था कि ये चली जाएगी तो हमारे दो बच्चों की परवरिश कौन करेगा। और इसीलिए बार बार वो मिन्नतें करने लगा कि नहीं, ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है, आखिरकार तुम नहीं मतलब तुम क्यों इतना नाराज हो, क्या वजह है। वो ये जानना चाह रहा था कि ठीक है, अगर किसी कोई किसी आदमी को तुम पसंद करती हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों बच्चों का भविष्य खराब करोगी। इसी बीच में इन दोनों ने जो बताया कि ये दोनों मिलके करीब 2.5 साल से राजेश पर ये दबाव डाल रहे थे कि तुम तलाक ले लो, अगर तुम तलाक नहीं लेते हो तो बहुत बुरा होगा। लेकिन मेरा भाई इन्हीं कारणों से तलाक लेने को तैयार नहीं हुआ। 12 तारीख को 12 अक्टूबर 2018 को जो ये बात आई तो उसमें जो बच्ची ने बताया, पुलिस को भी बताया और बाद में अदालत में भी बयान दिया कि रात करीब 12 बजे सबसे पहले प्रकाश अंकल आए और प्रकाश अंकल ने मारना पीटना मेरे पापा को शुरू किया। पापा अपना बचाव कर रहे थे तभी मां ने हमको और भाई से कहा कि यहां झगड़ा हो रहा है, हम लोग ऊपर चलेंगे। और मां हम दोनों को लेके ऊपर चली गई और फिर 1-1.5 घंटे बाद बहुत ढेर से पुलिस आई। हम लोगों ने देखा कि पापा के शरीर से बहुत खून निकल रहा है और पापा की डेथ हो गई है। रात करीब 1 बजे, ये बात 12 बजे की होगी, रात करीब 1 बजे मनीषा ने अपने देवर नरेंद्र समेत परिवार के अन्य लोगों को फोन करके ये बताया कि अज्ञात बदमाशों ने रात में हत्या कर दी है राजेश की। नरेंद्र इसके बाद थाने पहुंचा, शिकायत दर्ज कराई, पुलिस ने पड़ताल की तो मनीषा और प्रकाश के अफेयर की कहानी का पता लगा। और 9 साल की इस बेटी ने सबसे पहले ये बताया था, जितना उसने देखा था, कि पहले प्रकाश अंकल आए, उन्होंने पापा के साथ मारपीट की और फिर मां हम दोनों लोगों को लेके चले गए। दुखद पहलू इसका यह है कि जो बात प्रकाश ने अपने कन्फेशन में बताई थी वो ये कहा था कि जब हमारे सारे दांव फेल हो गए और राजेश ने तलाक लेने से मना कर दिया तो हमने अपने 3 दोस्तों को बुलाकर गोलू पवन और पप्पू को 50,000 रुपए दिए कि मैं सब इंतजाम करूंगा, बस किसी तरह से इसको रास्ते से हटा दो। बकौल पवन के, बकौल प्रकाश के, कि जब वो पहले से तय था, दरवाजा खुला हुआ था, रात में 12 बजे हम घुसे, हमने मारपीट करनी शुरू की राजेश के साथ और थोड़ी देर बाद जब बच्चे उठ गए और चिल्लाने लगे
और मनीषा उनको लेके ऊपर चली गई, तब ये तीनों भीतर आए, फिर दराती से उसका गला काट दिया गया। दुखद ये था कि जब ये जेल चली गई माँ उनकी, तो दोनों बच्चे अपने दादा के पास रहने लगे। तब मनीषा ने जेल से ही एक एप्लीकेशन दी कि हमें हमारे दोनों बच्चों को दादा के पास न रखकर बाल संरक्षण गृह में रखा जाए। इन्हें 6 महीने बाल संरक्षण गृह में रखा गया, लेकिन इस बीच में दादा ने इस दुख में कि मेरे बेटे की हत्या हो गई, दोनों बच्चे मेरे पास रह रहे थे, मैं उनके साथ समय बिता रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, उन्हें भी हमसे छीन के बाल संरक्षण गृह में डलवा दिया मेरी बहू ने, और 6 महीने में ही दादा का इंतकाल हो गया, दादा की मृत्यु हो गई। दादा का नाम रामरथ सिंह चौहान था। तो बहरहाल उसी सदमे में वो चली गई। फिर पुलिस ने आगे पूछताछ की तो मनीषा ने यह बताया कि हमने और हमारे प्रेमी प्रकाश ने मिलकर तय किया था कि ये मकान, इस मकान में आधा हिस्सा हमारा है, क्योंकि वो मकान बाप ने राजेश के नाम रखा था, और जब ये बहुत झगड़ा हुआ था तो 3 अलग अलग लोगों ने अपने मकान बना लिए थे। ये मकान जिसमें राजेश की हत्या हुई थी वो मनीषा और राजेश के नाम था। तो वो कहती ये थी कि इस मकान के आधे हिस्से को, जो तुम्हारा हिस्सा है, तुम बेच दो, आधे हिस्से में हम और प्रकाश रहेंगे। इसी बीच क्या हुआ कि जब वो जेल गई और कुछ दिन बाद उसकी जमानत हो गई, तो कोर्ट 2022 में वो जमानत पर आई। 18 में जेल गई थी और 22 में जमानत पर आई। 30 अगस्त 2022 को हरतालिका तीज के दिन अचानक वो अपने घर आ गई, जहां उसके पति की हत्या हुई थी, और उसने आके भाई नरेंद्र को धमकाया कि इस मकान को फौरन खाली कर दो, ये हम दोनों के नाम मकान था, राजेश मर गए, अब ये हमारा मकान है, अगर नहीं खाली करोगे तो अंजाम बुरा होगा, इस प्रॉपर्टी पर मेरा हक है। तब इन लोगों ने, नरेंद्र राजपूत ने पुलिस को इंफॉर्मेशन दी, पुलिस आई और फिर उसके बाद ये वहां से लौट गई। नरेंद्र राजपूत आगे बताते हैं कि बच्चे अब बड़े हो गए हैं, बेटी 9वीं क्लास में और बेटा 5वीं क्लास में है। सारे रिश्तेदारों ने, उनके नाना नानी और बाकी लोगों ने जब ये बताया कि उसकी मां ने ही बाप की हत्या की है, यानी बच्चों के सर से साया उसकी मां ने ही उठाया है, तब से ये दोनों बच्चे मनीषा से, यानी अपनी मां से घृणा करते हैं, और इतनी ज्यादा घृणा करते हैं कि वो उसका मुंह भी नहीं देखना चाहते। वो अपने चाचा नरेंद्र के पास रह रहे हैं, नरेंद्र उनके पढ़े लिखे, उनकी पढ़ाई लिखाई और बाकी सब चीजों का ध्यान रखता है। बहरहाल नरेंद्र ने पुलिस को यह बताया कि साहब, सिर्फ 2 लोगों को आजीवन कारावास पुलिस ने दिया है, बाकी 3 को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया है। हमें सुकून तो है कि हमारे भाई के हत्यारों को सजा मिली और हमें न्याय मिला, लेकिन उन 3 को भी, जिनकी मौके पर मौजूदगी थी, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। उनके बरी किए जाने के खिलाफ हम कोर्ट में जाएंगे, हम अपील भी करेंगे। आज की घटना देखिए, यह घटना सामान्य है, बहुत इस तरह की घटनाओं के बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी, बुरी तरह मारा, तड़पा तड़पा कर मार डाला, और यह भी सामान्य है कि पति पत्नी के बीच 2 बच्चे भी थे, 9-10 साल की शादी और 9 साल का बच्चा, बड़ी बच्ची और 6-7 साल का बेटा। तो यह भी सामान्य है कि महिला शादीशुदा थी और किसी दूसरे से उसका संबंध हो गया था, यह भी बहुत सामान्य सी बात है, कोई विशेष बात नहीं है। लेकिन असामान्य बात यह है कि पति को पत्नी से अलग करने के लिए प्रेमी और पत्नी ने मिलकर 2 गहरे झूठ तैयार किए, बहुत ही गहरे झूठ तैयार किए, सिर्फ इसलिए कि ये तलाक दे दे।
पहला झूठ ये कि पति का किसी महिला के साथ संबंध है, और ये भी कि उस महिला ने प्रेमी यानी प्रकाश को पूरी बात बताई भी और दोनों के अंतरंग संबंधों का वीडियो भी प्रकाश के पास है। वो यही कहती थी कि तुम्हारे किसी महिला से संबंध है, हम तुम्हारे साथ नहीं रह सकते, तुम तलाक दे दो मुझे। पति ये चिल्लाता रहा कि मेरा किसी महिला से कोई संबंध नहीं है, कसम खाता रहा वो कि महिला को सामने लाओ, उसका नाम बताओ या वीडियो दिखाओ, हम भी देखें कि आखिरकार किस महिला के साथ हमारी आपत्तिजनक वीडियो बनाई गई है। इसके लिए वो प्रकाश से भी उसने बात की कि मेरी पत्नी ये कहती है कि तुम्हारे पास मेरा कोई वीडियो है। उसने कहा है, तो उन्होंने कहा तुम इसको वायरल कर दो या हमें दे दो या उस महिला को बुलाओ जिसने तुम्हें बताया है या उसको बुलाओ जिसने ये वीडियो तुमको दी है, क्योंकि ऐसी कोई बात हमारे साथ नहीं हुई है। लेकिन वो यही कहता रहा कि ठीक है जान जाओगे, वायरल करूंगा तो सफाई देते फिर ना। वो ये समझता रहा राजेश कि देखिए बनाया तो वीडियो इन्होंने मॉर्फ्ड है या फर्जी है। आजकल फोटोग्राफी ट्रिक्स में इस तरह की वीडियो बनाना बहुत कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर ये वायरल करेगा तो मैं किसको किसको सफाई दूंगा, मैं क्या क्या बताऊंगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये मॉर्फ वीडियो है, फर्जी वीडियो है, नकली वीडियो है, मैं किसको किसको बताऊंगा। इसीलिए वो बार बार मिन्नतें करता रहा कि भाई वो हमें भेज दो, हम देख तो लें एक बार। उसका पर्पज ये था कि भेज देगा, मैं इसकी फॉरेंसिक जांच करा लूंगा, ये रिजल्ट आ जाएगा कि हाँ ये गलत है, ये फर्जी है, ये बनाया हुआ है, टेलर्ड है। लेकिन उसने कहा नहीं, अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमें जैसे ही जरूरत महसूस होगी हम इसे वायरल करेंगे। न उसने कभी उस महिला का नाम बताया, न उसने कभी ये बताया कि कब की वीडियो है, कहां की वीडियो है, किस तरह की वीडियो है, और न ही कभी वीडियो भेजी प्रकाश ने राजेश के पास। दूसरा झूठ पत्नी ने रचा, दोनों ही झूठ पत्नी के रचे हुए थे, दोनों ने मिलके दबाव बनाने के लिए ये झूठ एक फरेब बनाया था। दूसरा ये था कि प्रकाश ने मेरी कोई वीडियो बना ली है, क्योंकि वो आता जाता रहता था, मैं बहुत विरोध करती थी लेकिन फिर भी उसने मेरी कुछ न्यूड वीडियोस बना ली हैं, और उसी को वायरल करने की धमकी देकर वो मुझे ब्लैकमेल करता है। मैं बेबस हूं, जो वो कहता है मैं वो मानने को बाध्य हूं, मैं उसका विरोध नहीं कर सकती क्योंकि वो हमें उस वीडियो को वायरल करने की धमकी देकर उसे करने की धमकी देकर मेरा पीछा करता है और यह कहता है कि तुम मेरे साथ रहो। ये दोनों बातें सुन सुन के जब पति आजिज आ गया तो उसने एक दिन फोन करके कहा कि भाई आप दोनों वीडियो वायरल कर दो प्रकाश जी, मेरी उस महिला से संबंध की वीडियो और मेरी पत्नी का जो न्यूड वीडियो तुम्हारे पास है, आप दोनों वायरल कर दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम किसी कीमत पे तलाक नहीं लेंगे, हमें अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है, तुम आज चाहो आज वायरल कर दो, मैं कतई नहीं मना करूंगा। फिर दोनों ने बात की कि ये दांव फेल हो गया, अब तो ये कह रहा वायरल कर दो, अब क्या करना है। तब उसने 50,000 रुपए की सुपारी देकर इसकी हत्या कराने की साजिश की, और जब दोनों पकड़े गए और पुलिस ने कारण पूछा तो दोनों वही रटी रटाई कहानी बताने लगे कि साहब इसकी महिला से संबंध थे, उसके वीडियो हमारे पास आ गए थे, इसकी पत्नी के वीडियो मेरे पास हैं, ऐसा उसको शंका थी और इसकी वजह से बात बढ़ते बढ़ते बढ़ गई, और फिर जब वो नहीं मान रहा था तो हम लोगों ने मिलकर उसकी हत्या की। पुलिस ने पूछा वो वीडियो हैं कहाँ, दोनों वीडियो की बात कर रही थी पुलिस। फिर वही किस्सा कहानी कि वो साहब मैंने फला टाइम डिलीट कर दिया, उसने फला टाइम डिलीट कर दिया, और इन्होंने कसम दिलाई, उन्होंने कसम दिलाई, हम लोगों के पास वीडियो नहीं है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन
की फॉरेंसिक जांच कराई, पूरा फॉरेंसिक टेस्ट कराया, किसी तरह के किसी वीडियो का, इस तरह के किसी वीडियो के डिलीट होने की भी कोई जानकारी नहीं मिली। रिकवरी की जाती है फॉरेंसिक जांच के समय में, सारे चैट्स और सारी वो रिकवर की गई, उससे भी उस वीडियो का कोई पता नहीं लगा। सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इन लोगों के खंगाले गए, न तो प्रेमी का न पत्नी का प्रेमी के साथ कोई वीडियो और न ही पति का किसी अन्य महिला के साथ कोई वीडियो, दोनों ही नहीं मिला। पुलिस ने जब नहीं मिला तो पुलिस ने थाने पर दोनों से अलग अलग और कड़ाई से पूछताछ की। सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू हुआ, बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाए और तब ये बताया इन्होंने कि साहब ये बिल्कुल झूठ बात थी, ये प्लॉट हम लोगों ने तैयार किया था कि इसी बहाने उस पर दबाव डालेंगे फिर वो घबरा कर तलाक ले लेगा, लेकिन वो किसी कीमत पर तलाक लेने को तैयार नहीं था और तब हमें मजबूरन ये 50,000 रुपए की सुपारी देकर हमने इसकी हत्या कराई। जब हम लोग इस तरह की बात उससे फोन पे करते थे तो हम दोनों में से कोई न कोई रिकॉर्ड करता था और बाद में एक दूसरे को ये रिकॉर्डिंग भेज के हम दोनों खूब हंसते थे, ये रो रहा है, मिन्नत कर रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। तो ये बात सामने आ गई कि बिल्कुल झूठ था, फरेब था, बनाया हुआ था और इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं थी। और यही अच्छा, इस बीच में जब पुलिस बार बार फॉरेंसिक और इन लोगों ने ये बताया कि नहीं साहब कुछ नहीं था, हम दोनों रिकॉर्डिंग सुन सुन के हंसते थे, पुलिस ने एक बार फिर जितनी रिकॉर्डिंग्स थी उनको सुनना शुरू किया। वैसे तो बहुत ढेर सारी रिकॉर्डिंग्स इन लोगों ने डिलीट की थी, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग मिल गई जिसमें प्रकाश, राजेश और मनीषा एक कॉन्फ्रेंस कॉल में बात कर रहे हैं। बड़ी बेहूदगी की बातें उसमें हैं जिसमें प्रकाश साफ साफ कहता है कि तू अपनी बीवी मुझे दे दे, नहीं तो तुझे अंजाम भुगतना पड़ेगा। वो कहता है कि वो नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ। उसने कहा वो कह देगी मैं मान लूंगा, लेकिन वो मेरे बिना जिंदा नहीं रह सकती। ये इतनी इंपॉर्टेंट और इतनी सारी चीजें इसमें हैं और पुलिस ने केस डायरी का पार्ट बनाकर इस वीडियो की ट्रांसक्रिप्ट सबमिट की है। ट्रायल के समय लड़की ने भी पूरी बात कोर्ट को बताई। कोर्ट ने जब ये ट्रांसक्रिप्ट पर बहस सुनी तो समझ में आ गया कि ये सब इन दोनों की झूठ के इमारत, झूठ की नींव पे बनी इतनी बड़ी इमारत थी कि उन्होंने इसको मजबूर करने की पूरी कोशिश की कि ये अपने से तलाक दे दे और नहीं मानने पर बाद में उसकी हत्या कर दी। और इस तरह से तारीख आज से 6 महीने पहले 19 मई 2023 को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज हरदा ने इन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मैं इस ट्रांसक्रिप्ट को कम्युनिटी में पोस्ट कर रहा हूं और मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर इसे सुने कि देखिए किस तरह से चोरी और चोरी पे सीना जोरी, किस कदर कोई आदमी कैसे पागल होगा, औरत भी किस तरह पागल हो सकती है कि जिसके दो दो बच्चे हैं, बच्चों का मोह भी है उसे, लेकिन फिर भी पति की हत्या या पति से तलाक के लिए कितनी गहरी साजिश इन लोगों ने रची थी। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप भी किसी की कही सुनी फर्जी बातों, चाहे वो वीडियो हो चाहे वो ऑडियो हो, उस पर यकीन मत करिए, कभी मत करिए। देखिए अगर उस समय राजेश ने पुलिस में ये शिकायत की होती कि साहब मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है इस बिना पर कि मेरी कोई वीडियो है, पुलिस एक FIR रजिस्टर करती, उसको थाने पर बुलाती और कहती वीडियो ले आओ। अगर पुलिस की पूछताछ के बाद वो वायरल करता तो भी गंभीर सजा का भागी बनता, और अगर उसके पास नहीं थी तो पुलिस उससे सच उगलवा लेती कि इस तरह की कोई वीडियो उसके पास नहीं है, तब शायद राजेश की जान बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं किया, उसी डर से कि पता नहीं मॉर्फ वीडियो है, कैसी वीडियो है और कैसे इन्होंने बनाया है, मैं किस किस को सफाई दूंगा, इसको बीच में ही सुलझा लेना ठीक है, लेकिन फिर भी वो किसी कीमत पर तलाक देने को राजी नहीं हो रहा है।
तो इसलिए ब्लैकमेलिंग की, इस तरह की ब्लैकमेलिंग की जहां आपको शंका हो, आप उसकी शिकायत पुलिस को जरूर करिए। पुलिस सारे वीडियोस और ऑडियोस की जांच करा लेगी, मॉड भी हैं तब भी जांच करा लेगी, सच सामने आ जाएगा और फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी कि इस तरह के फेक, फर्जी या मॉड वीडियो या फोटोग्राफ या ऑडियो, वो फिर एआई टूल्स ने ये बड़ा तमाशा कर रखा है, किसी की आवाज किसी की फोटो पर लगाकर आप, या कभी कभी तो फोन पर वो ऐसी आवाज एआई टूल्स से जनरेट करते हैं जैसे लगेगा बिल्कुल वही आदमी है जो मुझसे रोज बात कर रहा है, वही मुझसे बात कर रहा है, उसके स्टेटमेंट वायरल कर देते हैं। डीप फेक फोटोग्राफी और ये एआई से साउंड सेम टू सेम वॉइस जनरेशन, ये दोनों बहुत खतरनाक बातें हैं। गवर्नमेंट ने अभी पिछले 3-4 दिनों में ये कहा है कि हम डीप फेक वीडियोस और इस तरह के एआई टूल से बने हुए स्टेटमेंट्स या रिकॉर्ड किए गए स्टेटमेंट्स, इनको रोकने के लिए हम दंडात्मक प्राविधान ले आ रहे हैं। तो इसलिए बजाय इसके कि आप उसमें दिमाग लगाएं, बजाय इसके कि भाई हम नहीं हैं तो कैसे इसने बना लिया, क्योंकि वो आदमी तो सच्चाई जानता था कि ऐसा कुछ नहीं था, ना कोई वीडियो है ना इस तरह की कोई महिला है, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वो न तो उसने पुलिस में शिकायत की, न ही इसका कस के प्रतिकार किया, और रिजल्ट ये रहा कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसलिए ऐसी किसी सिचुएशन में सबसे पहले पुलिस को शिकायत करके दूध का दूध पानी का पानी करा लीजिए, आप भी अमन चैन से सोइए और दूसरे को भी ये डर बना रहे कि पुलिस कभी भी उसे बंद कर सकती है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।